नमस्कार, ललिता चूल्हा चौका में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम व्रत में बनने वाली रतालू की खीर बनाने वाले हैं। हमने यहाँ 5-6 स्वीट पोटैटो लिए हैं, जिसे हम रतालू भी कहते हैं, और इसे हमने धो लिया था। इसे हम कुकर में पानी डाल के 2 सीटी लगा लेंगे। और इधर एक पतीले में हमने गाय का 1/2 लीटर दूध लिया है, इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ एक रतालू लिया है और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। ये कच्चा है, हमारा रतालू कद्दूकस हो गया है। अभी हम इसे पानी में डालेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है और उसमें हम ये बादाम के लच्छे फ्राई कर लेंगे। इसमें अभी हमने चिरौंजी भी लिया है 1/2 टीस्पून, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारे बादाम और चिरौंजी थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इसी में हम ये कद्दूकस किया हुआ रतालू डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन हो गया है, हमने 1/2 मिनट इसे पका लिया है, अभी हम निकाल लेंगे। अभी हमारी रतालू बॉईल हो गए हैं, इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसका छिलका उतार के इसे मैश कर लेंगे। हमने अभी फिर से कढ़ाई रखी है और उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसी में हमने जो मैश किया हुआ रतालू है उसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और व्रत में तो सब घर में ये एक बार तो भी बनती ही बनती है, और इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए, हमारा रतालू अच्छे तरीके से भून गया है घी में। अभी हम इसमें जो गर्म किया हुआ दूध है वो डालेंगे धीरे धीरे और इसे पूरा घोल लेंगे ताकि इसकी गांठें बने ना। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है। अच्छे तरीके से इसका गाढ़ा ऐसा घोल बन गया है। अभी इसमें हम पूरा दूध डालेंगे और एक बार विस्क भी घुमा देंगे ताकि इसमें कुछ गांठें होगी तो वो मिट जाए। देखिए इस तरीके से। अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स और जो कद्दूकस किया हुआ रतालू था जो हमने घी में भुना था वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि जब आप ये खीर खाओगे तब मुंह में ये लच्छों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी ये खीर को एक उबाल आ गया है, हम इसमें शक्कर डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्वीट पोटैटो थोड़ा मीठा ही होता है, इसलिए हमने इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम चीनी डाली है। और जो हमने इसमें मैश किया हुआ रतालू डाला है वो मावा डाले जैसा काम करेगा और बहुत ही क्रीमी ऐसा टेक्सचर अपने खीर को मिलेगा। हमारी खीर 4-5 मिनट से धीमी आंच पे पक रही थी, अभी ये तैयार हो गई है। हमने गैस बंद किया है। हम इसमें अभी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और हमारी खीर व्रत के लिए खाने के लिए तैयार हो गई है। इस नवरात्रि ये रतालू की खीर इस तरीके से आप ज़रूर बनाएंगे, और कैसे बनी ज़रूर कमेंट करके बताइए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।